हिस्टेरिसिस में नाम को बाद में पढ़ते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट है, मैं आपको एक लोहे का पीस देता हूँ, लोहे के पीस को इस टॉपिक बोलते हैं स्पेसिमन ऑफ मैग्नेटिक मटीरियल। तो मैं आपको स्पेसिमन देता हूँ, आपको ये बोलता हूँ कि लोहे का पीस लो, स्पेसिमन लो, आप इसे मुझे मैग्नेट बना के दो। आपने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने एक सोलेनॉइड ले लिया, एक सोलेनॉइड के अंदर इस मैग्नेट के पीस, इस आयरन के पीस को रख दिया। सोलेनॉइड में आपने एच इंक्रीज किया, करंट इंक्रीज किया, तो इस तरफ बी जनरेट हुआ, मान लो बी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इधर बी जनरेट हुआ। लोहे का पीस अंदर रखा, लोहे के पीस के अंदर लाखों करोड़ों एटम्स थे जिनका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट था, देवर एक्टिंग लाइक अ मैग्नेट, तो उनकी अलाइनमेंट ऐसी स्टार्ट हो गई होने। थोड़ी देर में क्या हुआ, सारे एटम एक तरफ लाइन हो गए, उनका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एक तरफ लाइन हो गया, एंड दिस क्या बन गए, मैग्नेट बन गए, राइट। अब मैंने कहा मैग्नेट बन गए ना, तो अब एक काम करो, उसको वापस लोहे का पीस बनाओ। आपने कहा उसमें क्या प्रॉब्लम है, आए जो आपने पास किया सोलेनॉइड में, जो बी जनरेट कर रहा था, वो आपने बंद कर दिया। जैसे ही आपने आए बंद किया, कम किया, तो बी जीरो हो गया, तो आपको लगा कि लोहा क्या बन जाएगा, वापस लोहा डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, तो मैं लोहे का पीस वापस कर दूंगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्या हुआ, तो ये ग्राफ है किसका, ये ग्राफ है एच वर्सेस आई का। एक्स एक्सिस पे एच बनेगा, वाई एक्सिस पे आई बनेगा। मतलब एच का मतलब कितना फील्ड आपने अप्लाई किया, आई का मतलब सब्सटेंस कितना मैग्नेटाइज हुआ। तो लोहे का पीस कितना मैग्नेटाइज हुआ देखें, स्पेसिमेन कितना मैग्नेटाइज हुआ ये देखो। तो इस केस में ग्राफ यहां से स्टार्ट होता है। तो जब आपने एच को इंक्रीज करना शुरू किया, तो यहां से आई की वैल्यू भी इंक्रीज होनी स्टार्ट हो गई। तो एच यहां से इंक्रीज हुआ, एच इंक्रीज हुआ, आई 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 इंक्रीज हुआ। तो आपने क्या किया, आपने एच बढ़ाना शुरू किया और इधर से आई की वैल्यू भी बढ़ती 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 गई। आपने ग्राफ ये देखना है, पहले कुछ नहीं देखना, सिर्फ जहां मैं रेड कर रहा हूं, ये आई की वैल्यू बढ़ गई बढ़ गई बढ़ गई बस। अब आप जितना मर्जी एच इंक्रीज कर लें, वो आपके हाथ में है, जितना मर्जी कर लें। सब्सटेंस कहते हैं सर मैं इससे मैग्नेटाइज हो नहीं पाऊंगा, मेरे सारे डोमेन्स जो है वो एक तरफ हो चुके हैं, सारा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट या एटम एक तरफ लाइन हो चुके हैं, इससे मैं अलाइनमेंट नहीं कर सकता, बस लास्ट वैल्यू मेरी आई की आ चुकी है। तो इसने क्या अचीव कर ली, आई की मैक्सिमम वैल्यू। इससे ज्यादा तुम जितना मर्जी एच अप्लाई करो, इससे ऊपर वो आई जाएगा नहीं। यानी कि सब्सटेंस आपका आयरन का पीस पूरी तरह क्या हो गया, मैग्नेटाइज। क्लियर है, मैग्नेटाइज हो गया। अब मैंने क्या कहा, ठीक है हो गया ना, मैग्नेट बन गया ना, अब चलो लोहे का पीस वापस करो। अब क्या करोगे, एच डिक्रीज करोगे। तो अब आपने क्या किया, एच की वैल्यू को अब क्या करनी शुरू की, कम। जब आपने एच कम किया तो आई भी क्या हुआ, कम। पहले ग्राफ ये बना था, आई क्या हुआ, कम, एच डिक्रीज किया, आई कम, एच डिक्रीज किया, आई कम, एच क्या हो गया, जीरो। पर आई जीरो हुआ नहीं, अभी भी आई की वैल्यू इसमें बची हुई है। अब ये कैसे हो गया, जबकि मैंने तो फील्ड जीरो कर दिया, पर लोहे का पीस लोहा बना ही नहीं, वो अभी भी मैग्नेट है। ऐसा कभी देखा है आपने, प्रैक्टिकल देखा है, देखा है। पेचकस को ना मैग्नेट से रब करो, काफी देर तक स्क्रू को अट्रैक्ट करता रहता है। रब करने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, फिर तो हटा ली ना मैग्नेट, फिर भी वो बहुत देर तक स्क्रू को अट्रैक्ट करता है, वो मैग्नेट बन जाता है। तो जल्दी जल्दी डी मैग्नेटाइज लोहा होएगा ही नहीं, क्योंकि नेचर मैग्नेट बनने की है। तो एक बार वो मैग्नेट बन गया, उसको डी मैग्नेटाइज करना आसान नहीं है। अच्छा दूसरा एग्जाम्पल, और बढ़िया एग्जाम्पल, आपने देखा होगा ऑफिस में ऑयल पिंस पड़े होते हैं, चिपके होते हैं मैग्नेट से, कई कई एक एक साल पड़े रहते हैं। आप एक पिन निकालते हो ना, दूसरा अपने आप ही चिपका निकलता है, दूसरा निकालते हो ना, तीसरा चेन बन जाती है पूरी पिंस की। अब बहुत देर तक मैग्नेट के साथ पिंस को लगा के रखो, दे विल स्टार्ट एक्टिंग लाइक अ मैग्नेट। और ऐसा नहीं कि उसको हटाओगे तो मैग्नेट नहीं बनेगा, वो बहुत देर तक 6-6 महीने तक मैग्नेट ही रहता है। यानी कि एक बार लोहा या कोई भी ऐसा मैग्नेटिक सब्सटेंस जो हाईली मैग्नेटिक है, एक बार मैग्नेट बन गया, उसको डी मैग्नेट बनाना आसान नहीं है, इट विल टेक टाइम। देखिए लाखों करोड़ों एटम की ओरिएंटेशन चेंज नहीं होती, वो वैसी रह जाती है, तो मैग्नेट की तरह काम करते हैं। अब वही प्रॉब्लम हो गई ना, मैंने आपको क्या बोला था, लोहे का पीस दूंगा, लोहे का पीस वापस करना। अब लोहे का पीस दिया, आप मुझे मैग्नेट वापस कर रहे हो, आप कह रहे हो सर मैंने तो एच जीरो कर दिया, जब मैंने फील्ड ही नहीं अप्लाई किया, वो लोहा बन ही रहा, अभी भी मैग्नेट है। तो यानी कि अभी भी उसमें क्या वैल्यू बची हुई है, आई की वैल्यू बची हुई है। पर मैंने क्या कहा, नहीं यार मेरे को तो मेरा लोहा वापस ही चाहिए,
डीमैग्नेटाइज करके दो इसे। आप कह रहे हो मैंने तो सब कुछ बंद ही कर दिया, अब वो मैग्नेट काम कर ही जा रहा तो मैं क्या करूं। तो फिर आपने एक आइडिया लगाया। आइडिया क्या लगाया, सारे एटम ऐसे ओरिएंट है ना, तो आपने क्या किया, सोलेनोइड में पहले करंट ऐसे था तो बी ऐसे था, अभी बी बंद है, आपने करंट उल्टा घुमा दिया तो बी ऐसे हो गया। इससे क्या हुआ, जो एटम ऐसे ओरिएंट थे वो सारे अब ऐसे जाने की कोशिश करेंगे, वो ओरिएंटेशन उनकी ब्रेक हो जाएगी, जहां सारे कैपिटल एम ऐड हो रहे थे वो ब्रेक हो गई, अब वो डीमैग्नेटाइज हो जाएंगे। तो इसका मतलब अगर आप इसे डीमैग्नेटाइज करना चाहते हो और आई की वैल्यू जीरो करना चाहते हो तो आपको उल्टी डायरेक्शन में एच अप्लाई करना पड़ेगा, आपको उल्टी डायरेक्शन में एच अप्लाई करना पड़ेगा, करते 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 आई क्या होगा, जीरो। अपने आप एकदम जीरो नहीं होगा, आपको उल्टा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना पड़ेगा ताकि आप सब्सटेंस को पूरी तरह डीमैग्नेटाइज कर सको। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, यहां तक क्लियर है? अब आप सोच रहे हो चल उल्टा फील्ड लगा ही दिया तो और बढ़ा देते हैं, आपने उल्टा एच और बढ़ाना शुरू कर दिया, तो इधर एच बढ़ाना शुरू कर दिया, अब सारी ओरिएंटेशन एटम की इधर हो जाएगी, तो सब्सटेंस का आई बढ़ना स्टार्ट हो गया इन उल्टी डायरेक्शन, सब्सटेंस उल्टा मैग्नेट बन गया, पहले इधर मैग्नेट था वो इधर मैग्नेट बन गया, पहले नॉर्थ इधर था नॉर्थ इधर चला गया। तो क्या हुआ, आई की वैल्यू बढ़ती 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 मैक्सिमम होगी, फिर से एक बार मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर गया, आप जितना भी उल्टा एच अप्लाई कर लो आई नहीं बढ़ सकता, आई मैक्सिमम वैल्यू पे आ गया। ये भी क्लियर है? अब मैंने आपको क्या कहा, यार मैंने तुम्हें कहा था लोहे का पीस दो, अच्छा वाला लोहा बन गया, आप हटे नहीं, आपने उल्टा फील्ड अप्लाई कर दिया, अब मेरे को वापस लोहा दो, अब क्या करोगे, अब आप फिर से क्या करोगे, एच को क्या करोगे, वापस कम करोगे और जीरो करोगे। जैसे एच जीरो करोगे, लोहा लोहा कहां बनता था, लोहा कहां पर आ गया, ये देखो यहां पे आ गया। तो आई की वैल्यू अभी भी बची हुई है, नहीं बना, क्या करना पड़ेगा, फिर उल्टा एच अप्लाई करना पड़ेगा इन दिस डायरेक्शन, तो फिर जाके आई क्या होगा, जीरो। तो अगर आप एच कॉन्टिन्यूसली इधर इधर करते जा रहे हो तो आपका ग्राफ ऐसे चलता जाएगा, ऐसे स्टार्ट यहां से होगा लेकिन ऐसे साइक्लिक चलता जाएगा। तो पॉइंट समझ में आया, ग्राफ कैसे चलता है पूरे प्रोसेस में, मैं पहले एच अप्लाई करता हूं आई बढ़ता है, एच को बंद कर देता हूं आई बंद नहीं होता, एच उल्टा करता हूं फिर आई बंद होता है, एच उल्टा करता हूं फिर आई फिर बढ़ता है, एच जीरो करता हूं आई जीरो नहीं होता, पूरी गेम में आई पीछे चल रहा है एच आगे चल रहा है, एच पहले जीरो करता है आई बाद में जीरो होता है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं इस पूरे प्रोसेस में एच आगे चल रहा है आई पीछे चल रहा है, राइट? और पूरे प्रोसेस में हो क्या रहा है, अगर मैं प्रोसेस बार बार रिपीट करूं तो मैग्नेटिक सब्सटेंस आयरन का पीस पहले इधर मैग्नेट बन रहा है फिर आयरन का पीस बन रहा है, फिर इधर मैग्नेट बन रहा है फिर आयरन का पीस बन रहा है, फिर इधर मैग्नेट बन रहा है फिर आयरन का पीस बन रहा है, फिर इधर मैग्नेट बन रहा है फिर आयरन का। सोचो एक सेकंड में 50 बार कर रहा हूं, 50 बार इधर मैग्नेट 50 बार इधर मैग्नेट बन रहा है लगातार, इतनी तेज बन रहा है। इस प्रोसेस को या इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन। साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन का मतलब मैग्नेट बनना डी मैग्नेट बनना, मैग्नेट बनना डी मैग्नेट बनना, मैग्नेटाइज होना डी मैग्नेटाइज होना, साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक? और इस कर्व को, आउटर कर्व को, पूरे कर्व को, ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, कौन सा कर्व है, हिस्टेरेसिस कर्व है, एक हिस्टेरेसिस कर्व है, ठीक यहां तक। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें, इंपॉर्टेंट ये है इसमें, आप मुझे एक चीज बताओ, जब मैंने यहां से आते हुए H को क्या किया था, जीरो, तो जब मैंने H को जीरो किया था तो इसमें अभी भी I की वैल्यू बची हुई थी, इसमें अभी भी I की वैल्यू बची हुई थी, बची हुई मैग्नेटिज्म को नाम दिया गया रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। तो इस वो H की वैल्यू, वो I की वैल्यू जब H जीरो था इज नोन एज रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, तो इस आई की वैल्यू का नाम क्या है, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, या फिर इसका पूरा नाम है रिटेंटिविटी, रिटेंटिविटी। तो रिटेंटिविटी क्या चीज है, वो आई की वैल्यू जब एच क्या है, जीरो, इज नोन एज रिटेंटिविटी या रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। फॉर्मूला बुकलेट में नोट करो इस लाइन को, हिस्टेरेसिस का टॉपिक डाल के इसे नोट करो, रिटेंटिविटी या रेजिडुअल मैग्नेटिज्म किसे बोलते हैं।
ठीक है, तो देखो दिस इज नोन एज रेजिडुअल मैग्नेट। होंगे बहुत देर बाद होते नहीं, जल्दी जल्दी होते नहीं, आती नहीं कंडीशन। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो क्या लिखा मैंने, ये देखो, करेक्शन करो प्लीज इसमें। दिस वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, यानी कि आई, ये वो वैल्यू ऑफ आई है जब मैग्नेटाइजिंग फील्ड यानी कि एच क्या है, जीरो, ये लिख लो इसके ऊपर, आई एच इज नोन एज रिटेंटिविटी। स्पेलिंग ठीक करो, रिटेंटिविटी बता दो। यहां तक क्लियर है? ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नाम एक जैसे हैं इसके, इंटेंसिटी इंटेंसिटी करता रहता है, मेरे को नहीं पता क्या नाम है, एच और आई से पहचानता हूं मैं इन्हें। नेक्स्ट, अब ये बताओ यहां पर आपको क्या अप्लाई करना पड़ा, उल्टा एच, ताकि आई क्या हो जाए, जीरो। इस रिवर्स एच जो आपने अप्लाई किया ताकि बिल्कुल मैग्नेटिज्म जीरो हो जाए, इसको क्या बोलते हैं, कोएर्सिविटी। कोएर्सिविटी, तो कोएर्सिविटी क्या है, वो एच की वैल्यू जब आई क्या है, जीरो, लिख लो ये फॉर्मूला बुकलेट में, वो एच की वैल्यू जब आई क्या है, जीरो, कोएर्सिविटी। तो क्या है पॉइंट, क्लियर है यहां तक, रिटेंटिविटी एंड कोएर्सिविटी।
हाँ जी, तो इसमें हिस्टारसिस में एच और आई का ग्राफ है, और मैंने क्या बताया कि ये रेजिडुअल मैग्नेटिज्म है या रिटेंटिविटी है, और ये क्या है, ये कोएर्सिविटी है। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा। सपोज करो किसी मटेरियल की रिटेंटिविटी ज़्यादा है, मतलब मैंने एक स्पेसिमेन लिया और मैंने मैग्नेटिक फील्ड जीरो कर दिया, फिर भी उसमें बहुत ज़्यादा आई है, इसका मतलब इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, वो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह काम करेगा। इवन मैंने जब फील्ड को बंद कर दिया तब भी, मानते हो इस चीज़ को, क्योंकि इसकी रिटेंटिविटी हाई है, तो कौन सा मैग्नेट है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है। अच्छा दूसरा क्वेश्चन, जिसकी कोएर्सिविटी हाई है वो कैसा मैग्नेट है, वो कैसा मैग्नेट है जिसका एच बड़ा है, स्ट्रॉन्ग है, नहीं स्ट्रॉन्ग तो तभी जब आई ज्यादा है, वीक है क्योंकि वो ऐसे फैल जाएगा, नहीं स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, होगा तो फिर आई ज्यादा और एच ज्यादा में फर्क क्या है, फिर से मतलब कि जिसका एच कोएर्सिविटी ज्यादा है उस मटेरियल को डीमैग्नेटाइज करने के लिए उल्टा फील्ड ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। मैं ऐसा बोल सकता हूँ यार जिद्दी मैग्नेट है, जिद्दी है, जिद्दी और स्ट्रांग में फर्क होता है। देखो स्ट्रांग है, बंदा आता है यार मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, उसको हल्का सा उल्टा फील्ड लगाया, चल पे बैठ गया, ठंडा हो गया, खत्म, कोई स्ट्रांग स्ट्रोंग खत्म हो गया। एक है जिद्दी, हल्का सा मैग्नेट है पर उसने इतना उल्टा फील्ड लगवा लिया मुझसे ताकि वो डीमैग्नेटाइज हो सके, डीमैग्नेटाइज होने को तैयार ही नहीं है, जबकि उसका फील्ड था बहुत छोटा, उसकी अपनी आई की वैल्यू बहुत छोटी थी, पर उसको ही खत्म करने के लिए बहुत एच अप्लाई करना पड़ा, फर्क है ना। तो स्ट्रांग होना और जिद्दी होने में तो फर्क है, डिफरेंस समझ रहे हो इस चीज में, नहीं स्ट्रांग और पॉइंट समझ में आ रहा है। अब देखो इसके ऊपर क्वेश्चन आने वाला है, क्वेश्चन पक्का आएगा और इसी पे आएगा, देखना क्या। तो पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिनोमेना ऑफ लैगिंग ऑफ आई बिहाइंड एच, इस पूरी गेम में आई पीछे चल रहा है एच से, व्हेन स्पेसिमेन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल इज सब्जेक्टेड ऑफ साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन, करेक्शन करो यहां पर आना चाहिए मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन ठीक, साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज कॉल्ड हिस्टैरिसिस, ठीक हो गया हिस्टैरिसिस। अब जैसे ये क्वेश्चन है, हिस्टैरिसिस लूप ऑफ सॉफ्ट आयरन एंड स्टील, लैब में एक्सपेरिमेंट किया गया, एक्सपेरिमेंट करके क्या देखा गया कि एक सॉफ्ट आयरन है और एक स्टील है, इनका हिस्टैरिसिस यानी कि जो इनको मैग्नेट डी मैग्नेट मैग्नेट डी मैग्नेट किया गया, तो ये ग्राफ बना। रूल नंबर वन, जिसका एरिया ग्राफ का छोटा होगा कम होगा उसका एनर्जी लॉस कम होगा, और जिसका बड़ा होगा उसका एनर्जी लॉस ज्यादा होगा। ये एनर्जी लॉस कैसे होता है, क्यों होता है एनर्जी लॉस, देखो मान लो एक लोहे का पीस है, उसके अंदर लाखों करोड़ों एटम्स हैं, उनका डायपोल मोमेंट है, आपने उन्हें मैग्नेटाइज किया, फिर जीरो किया, फिर उल्टा मैग्नेट बनाया, फिर जीरो किया, इधर मैग्नेट बनाया, जीरो किया, इधर मैग्नेट, सोचो 1 सेकंड में 50 50 100 100 बार कर दिया। और तो वो एटम की हालत देखो, वो बेचारा पहले इधर जाता है, फिर एकदम उसको कहते हैं इधर चल, वो एकदम ब्रेक लगाता है, रुकता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है हीट में, वो फिर काइनेटिक एनर्जी गेन करता है, फिर रुक जाता है काइनेटिक हीट में। तो ऐसा करने से आप देखेंगे मटेरियल गर्म हो जाता है, ऐसे मटेरियल्स गर्म हो जाते हैं, अगर आप बार बार मैग्नेट डी मैग्नेट बनाते रहोगे तो वो गर्म हो जाएगा, क्योंकि एटम जो है वो काइनेटिक एनर्जी लूज करेंगे इन फॉर्म ऑफ हीट। तो जिसका एरिया पतला होगा कम होगा उसमें हीट लॉस कम होगा, और अगर एरिया ज्यादा होगा तो हीट लॉस ज्यादा होगा। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, ये याद रखना ठीक। नंबर वन, नंबर टू क्वेश्चन आएगा, ये जो जिद्दी और स्ट्रॉन्ग के ऊपर, परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए क्या यूज करें, सॉफ्ट आयरन की स्टील, स्टील सॉफ्ट आयरन। देखो सॉफ्ट आयरन का क्या प्रॉब्लम है कि जब एच जीरो है इसमें रेजिडुअल मैग्नेटिज्म बहुत ज्यादा है, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, पर मुझे स्ट्रॉन्ग नहीं चाहिए, मुझे ज्यादा चलने वाला चाहिए, चाहे वीक दे दो पर चले ज्यादा, परमानेंट होना चाहिए, मतलब काफी देर तक वो मैग्नेट ही कहलाए। तो मैं क्या यूज करूंगा जिसकी कोएर्सिविटी ज्यादा है, ये देखो जिद्दी मैग्नेट, ये देखो कैसे एच बहुत ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा स्टील को ताकि ये क्या हो जाए, डीमैग्नेटाइज हो जाए। तो वैसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेट नहीं है स्टील, पर लेकिन इसको वापस डीमैग्नेटाइज करने के लिए एच बहुत ज्यादा अप्लाई करना पड़ रहा है, तो ये मैग्नेट की तरह यूज करेगा कौन सा,
परमानेंट मैग्नेट के लिए क्या यूज करेंगे? स्टील। वो क्वेश्चन पूछेगा स्टील क्यों, आप लिखेंगे उसकी कोएर्सिविटी ज्यादा है। तो जिसकी कोएर्सिविटी ज्यादा है वो परमानेंट अफेक्ट ज्यादा देगा। अब दूसरा क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करने के लिए क्या यूज करें। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, वो परमानेंट नहीं है। तुमने बिजली बंद की, इलेक्ट्रोमैग्नेट बंद हो गया, बिजली चलाई, मैग्नेट बन गया, तो आपको वो स्ट्रॉन्ग चाहिए। तो इसलिए लंबा चलने वाला नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए? सॉफ्ट आयरन। क्योंकि सॉफ्ट आयरन क्या करेगा, एकदम आपने ऑन किया तो ऑफ करते ही इट विल एक्ट लाइक अ मैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, बहुत देर तक चले ये तो बोला ही नहीं, इसलिए सॉफ्ट आयरन यूज करेंगे। तीसरा क्वेश्चन आएगा ट्रांसफॉर्मर के कोर्स, ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो लोहा है वो किससे बना होगा। अब जो ट्रांसफॉर्मर की कहानी है, देखो ट्रांसफॉर्मर की पूरी स्टोरी वो अगले चैप्टर में आने वाली है, अगला चैप्टर यही है ईएमआई एंड एसी। तो ट्रांसफॉर्मर के अंदर ये होता है, ट्रांसफॉर्मर के अंदर ये एक लोहा है, लोहे का बना हुआ है, डैम से बिजली बन के आती है, और कौन सी आती है? एसी, ऑल्टरनेटिंग करंट्स आते हैं। तो डैम से इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी आती है, ये ऑल्टरनेटिंग का सिंबल है, और ऐसे घूमती है। ट्रांसफॉर्मर के यहाँ एक वायर लपेट रखी है, फिर ट्रांसफॉर्मर के दूसरे हिस्से पे ऐसे वायर मेरे घर तक आती है, मेरे घर तक आती है ऐसे, और मैं ऑन करता हूँ। ये आपस में बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं होते। तो इसमें हम एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं अगला चैप्टर, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जिसे चार्जेस पैदा होते थे बिना टच किए, इंड्यूस होते थे, या बिजली इंड्यूस हो जाती है बिना टच किए, इसमें करंट घूमेगा, इसमें अपने आप पैदा हो जाएगा पड़ोस की कॉइल में, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वो क्यों होगा अभी डिस्कस करेंगे, इसमें अपने आप जनरेट हो जाता है। तो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी ऐसी आती है, अगर हमारा घर डैम से सीधा कनेक्टेड नहीं है कोई बात नहीं, एक और ट्रांसफॉर्मर लगा दो, ये ऐसे कॉइल घुमाओ, ऐसे कॉइल घुमाओ, जब तक मेरा घर नहीं आएगा तब तक ऐसे ट्रांसफॉर्मर, हर गली गली में ट्रांसफॉर्मर है। पर्पज क्या है ट्रांसफॉर्मर का, हम ये अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि अगर आपकी वोल्टेज कम आ रही है ये इसको ऊपर कर सकता है, अगर 120 आ रही है 220 कर देगा, और ज्यादा आ रही है 300 भी तो भी 220 कर देगा, तो स्टेप डाउन भी कर देगा, स्टेप अप भी कर सकता है। क्लियर है, ये ट्रांसफॉर्मर का काम है। तो इसमें ऑल्टरनेटिंग करंट आ रहा है, ऑल्टरनेटिंग करंट पता है क्या होता है, डीसी और एसी में फर्क क्या है? हाँ, एसी में डायरेक्शन में चेंज करेगा, करेगा करेगा करेगा, ऐसा आता है। एसी करंट ऐसे घूमता है, डीसी तो एक तरफ घूमता है, एसी करंट ऐसे घूमता है, पहले ऐसे जाएगा, फिर अगले साइकिल में ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, वैल्यू भी चेंज करता है। हमारे घरों में एसी आ रहा है, ट्रांसफॉर्मर से हमारे घरों में बिजली तो कैसे जा रही है, ऐसे घूम रही है, फिर ऐसे घूम रही है, फिर ऐसे घूम रही है, बार बार चेंज हो, एक सेकंड में 50 बार, कि हमारे अप्लायंसेस 50 हर्ट्ज पे चलते हैं जितने अप्लायंसेस हैं। तो यानी कि डैम से बिजली आती है वो 50 हर्ट्ज पे आती है, अमेरिका में 100 हर्ट्ज पे चलती है मशीन्स, 100 एक सेकंड में 100 बार चेंज होती है। तो इलेक्ट्रॉन आगे तो क्या जाएगा, इधर इधर घूमता रहेगा खड़ा खड़ा ही, वही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देगा। ठीक हो गया यहाँ तक? तो ये ऑल्टरनेटिंग करंट है। अब हम यहाँ स्टडी नहीं कर रहे ऑल्टरनेटिंग करंट क्या है, उस बेचारे की हालत देखो जो लोहे का पीस है। अब इस पे आ जाओ, वो कहते देखो सर मेरी हालत देखो, पहली बात तो करंट को चेंज करते हैं पीछे से, ऑल्टरनेटिंग करंट अपनी वैल्यू को चेंज भी करता है, फिर डायरेक्शन भी चेंज करता है। अब करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, तो देखो जब करंट ऐसे आ रहा है अपनी वैल्यू को चेंज करता हुआ, तो मेरा कहता बी चेंज होता है, तो बी कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है, फिर वो कहता है करंट में डायरेक्शन चेंज कर लेता है, मेरे बी के डायरेक्शन भी चेंज कर देते हो, तो मेरा तो पूरा दिन यही काम रह गया ना। एटम कहता है पहले मैं इधर घूमता हूँ, फिर मैं इधर घूमता हूँ, फिर मैं इधर, फिर मैं इधर, और ऊपर से कहते हैं एक सेकंड में 50 बार चेंज होगा, तो मैं 50 बार एक सेकंड में ऐसे घूम जाता हूँ, तो मेरे एनर्जी लॉस देखो कितना है, तो मैं तो गर्म ही हो जाऊंगा ना। और ऊपर से ट्रांसफॉर्मर बंद भी नहीं करते, 24 घंटे बिजली चलती है, तो मैं तो 24 घंटे ड्यूटी पर रहता हूँ घूमने की प्रॉब्लम है, और लाखों करोड़ों एटम्स हैं। ट्रांसफॉर्मर आपने उड़ते हुए देखे होंगे बहुत, हमेशा ट्रांसफॉर्मर के उड़ने का जो प्रॉब्लम है गर्मी ही है, गर्मी में तो बहुत उड़ते हैं, क्योंकि जब गर्मियां पड़ती हैं वैसे ही टेम्परेचर 40 है, फिर ऊपर से ये मैग्नेट डी मैग्नेट होता रहता है अंदर का लोहा, राइट, प्रॉब्लम है, तो हीटिंग अफेक्ट है, फिर आई स्क्वेयर आर टी वायर का हीटिंग अफेक्ट है, कई हीटिंग अफेक्ट है जिससे कि तारें सड़ जाती हैं और ट्रांसफॉर्मर उड़ जाता है। कूलेंट डालते हैं वो अलग बात है, इसमें ठंडा रखते हैं इसे, बट फिर भी इतनी गर्मी हो जाती है कि उड़ जाता है। अब प्रॉब्लम क्या है, ये लोहा किस मटेरियल का बनाओ जिसमें हीट लॉस कम हो, सॉफ्ट आयरन को, क्यों? क्योंकि हिस्टायरेसिस एरिया उसका कम है,
सॉफ्ट टर्बाइन का एरिया कम है तो उसमें गर्मी कम जनरेट होगी, हीट लॉस कम होगा। तो यही क्वेश्चन आएगा कि ट्रांसफार्मर के जो कोर्स हैं ये आर सब्जेक्टेड टू साइक्लिक चेंजेस, हिस्टैरिसिस लॉस ऑफ मटेरियल मस्ट बी स्मॉल एग्जांपल इन सॉफ्ट टायर। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? इसके नीचे जितना भी टॉपिक दिख रहा है आपको मैग्नेटिज्म का, ये लाइन खींच लो, इसके नीचे जो भी टॉपिक्स हैं लिख लो, पढ़ने नहीं है, नॉट इन एनसीईआरटी, कॉम्पिटिशन में करेंगे बात अलग है अगली बार।